हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ हैं हम। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव और पैसिव का एक शॉर्ट मेथड, जिसके जरिए से अगर आप बेसिक पॉइंट पर ध्यान करेंगे तो बेसिक पॉइंट को ध्यान करके अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव होते क्या। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्ता खुद क्रियाशील, ठीक। और पैसिव क्या होते हैं? इनमें भी कर्ता क्रियाशील तो होगा लेकिन किसी और के माध्यम से उसकी जानकारी दी जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें कौन सी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला कि हमें जो भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दिया गया हो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब की पहचान करना, इसे शॉर्ट फॉर्म में SOV या SVO कहा जाता है। फिर दूसरा काम ये होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। इसके बाद जो न्यू सब्जेक्ट होता है यानी कि जो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है उस नए सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि हम सेंटेंस का काल कभी भी चेंज नहीं करते। यदि वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सेंटेंस के हिसाब से ही उपयोग की जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखा जाएगा कि अगर सेंटेंस जो सब्जेक्ट नया बनने वाला सब्जेक्ट एक वचन करता है तो उसके हिसाब से, और अगर बहुवचन करता है तो उसके हिसाब से। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की पहचान भी, क्योंकि पैसिव वॉइस में इस MR के साथ भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी और ये इस बात की पहचान होगी कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। फिर इसके बाद जब हम थर्ड फॉर्म लिख चुके हैं तो थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करने के बाद हम सबसे अंत में, सबसे आखिर में जो हमारे पास पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था उसको हम कन्वर्ट करते हैं काहे में ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसे लिख दिया जाता है। ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन है ये निम्नानुसार है। जैसे सब्जेक्ट में ही है तो ऑब्जेक्ट में हिम, शी है तो हर, इट का इट ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, और इसी तरह से दूसरे वाक्यों का भी चेंजेस किया जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट में भी इसी तरह से बदला जाएगा। अब हम इन सारे रूल्स को एक उदाहरण के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, राम राइट ए लेटर, यानी कि राम एक पत्र लिखता है। तो सबसे पहला हमारा नियम क्या था कि हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब की पहचान करनी है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो उसके काम का परिणाम हो, जैसे कि ए लेटर। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। और यहां पर मुख्य क्रिया यानी कि मेन काम क्या है? राइट। तो इस तरह से यहां पर हमारा सब्जेक्ट हुआ राम और ऑब्जेक्ट हुआ ए लेटर, और मुख्य क्रिया यानी कि हमारी जो वर्ब हुई वो राइट। अब पहला नियम हमने लागू कर दिया, अब दूसरे नियम की बारी आती है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट में था ए लेटर, तो हम इसको क्या करेंगे? पहले लिख देंगे। ए लेटर लिख दिया। अब हमने देखा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है क्योंकि राइट से हमें पता चला, तो इसका मतलब यह है कि हम ए लेटर में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो प्रेजेंट सेंटेंस से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पर ए लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग करने के बाद जैसा कि हमने बताया था कि न्यू सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, यानी कि हमारा तीसरा रूल भी इस पर लगा दिया गया। अब बात आती है चौथे रूल की, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना। तो यहाँ पर वर्ब हमारी है राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन,
हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हमारा रूल क्या है, फिफ्थ नंबर का रूल क्या है कि थर्ड फॉर्म लगाने के बाद ऑलवेज यूज बाई। तो यहां पर हमने क्या किया, बाई को लगा दिया। अब अंत में हमको क्या करना था, जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लिख देना है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या था, राम, जो कि एक नाउन है। अगर कोई इस तरह का नाम आ जाता है तो हम नाम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त भी नाम में ही रखते हैं। तो यहां पर अगर हमारा सब्जेक्ट राम है तो राम को जब हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट भी राम ही होगा। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस जो एक्टिव में हमें उदाहरण में दिया गया था, हमने उसे आसानी से इन पांच छोटे से नियमों की सहायता से पैसिव में बदल दिया। अगर आप भी इन नियमों का पालन करते हैं और थोड़ी बहुत इसके बारे में और जानकारी जुटाते हैं तो आप आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकेंगे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और वीडियो लेकर के हम फिर से आपके सामने आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।